हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम है और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ नहा धो के, और जिस काम से आए थे अजमेर उस काम के लिए अब निकल रही हूँ मैं। तो चलते हैं, अब 8 बज चुके हैं। इट्स टाइम टू चेक आउट। आरपीएससी कार्यालय चलो, आरपीएससी कार्यालय चलो, आरपीएससी कार्यालय चलो। यहाँ पे मैं कर रही हूँ ऑटो का इंतजार। ऑटो ऑटो रिक्शा रिक्शा। पहुंच चुके हैं आरपीएससी कार्यालय, टाइम भी होने ही वाला है। काउंसलिंग का काम पूरा हो चुका है और अब आरपीएससी से बाहर जा रहे हैं। देखते हैं, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ खाएं पिएंगे। ट्रेन 2 बजे की है, फिर वापस घर जाएंगे। से चलकर रतलाम के रास्ते इंदौर को जाने वाली 1401 जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस। कृपया ध्यान दीजिए, वीवा के रास्ते जोधपुर से चलकर रतलाम के रास्ते। ट्रेन आ गई थी 12 बजे, 2 बजे चलने का टाइम है, 1:15 हो रहा है अभी। पूरे 45 मिनट बाकी हैं और 5-7 मिनट भी लग जाएंगे।
किसी किसी को हमेशा सोना ही होता है ट्रेन में। गाइस ट्रेन में सफर करते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम्स क्यों होती है मेरे को समझ नहीं आता, सबका ही नेट नहीं चलता या फिर मेरे साथ ही अक्सर ऐसा होता है। हाँ देव अपनी दास्तान सुनाओ, आपका चला है नेट कभी ट्रेन में? मेरा नेट कभी नहीं चला, मेरा तो इतना तो चलता है। तो फिर वाईफाई से कनेक्ट करते हो आप? इधर तो रेलवे का ही एक्टिव रहता है ना, उसे ना तो चलता है, ना ये वाला चल पाता है, ना हमारे ही चल पाता है। इस पे ना बूंद जमा हो गई ना बारिश की, तो कितना वो फेड़ सा हो गया। क्लियर कुछ दिख ही नहीं रहा बाहर का। इधर से गए थे तो भी बारिश हो रही थी, और आए थे वहाँ पे अजमेर में धूप थी फुल, और इधर आते फिर बारिश शुरू हो गई। जोबनेर आदमी को देखिए, हर एक घंटे में 10 बार इसका फोन आता है किसी ना किसी का, और एक मैं हूँ, मेरे को इधर उधर देख के टाइम पास करना पड़ता है। स्टेशन पर आधा घंटा रुकने के बाद ट्रेन ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। गाइस मैं जिस भी ट्रेन में ट्रेवल करती हूँ वो या तो ख़राब होती है या लेट होती है, और लेट ही नहीं बहुत ज़्यादा लेट होती है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो कमेंट भी लो। वहाँ इतनी ठंड थी एसी की वजह से, मैं सोच रही बारिश भी हो रखी है, बाहर भी कुछ ऐसा होगा, बाहर तो बिल्कुल उल्टा है सब। फटाफट आ जाओ, दुकान पड़ जाएगी। सो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी सिटी में।